So basically, this is a crash course of the living organisms, chapter 1, 11th class. Yeah, this is me, Shalu Nuragi, and before any kind of delay, let me start the topic. What is living? तो इसको देखते हैं. कुछ क्राइटेरिया है जो लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उनके उनके बारे में पढ़ना है कि क्या होता है, लिविंग के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. तो सबसे पहला, क्या लिविंग जो होते हैं वे ग्रो करते हैं, ऑल लिविंग्स ग्रो, ठीक है. इनको अभी थोड़ी देर में अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. इसको रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं, मेटाबॉलिज्म होती है, कंसियसनेस मतलब कि अपने बारे में उनको पता होता है, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है उनकी बॉडी का. बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. तो सभी लिविंग्स ग्रो करते हैं. इसका मतलब ये है कि उनके उनका मास बढ़ेगा, या फिर जो उनके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जितने भी हैं वो बढ़ेंगे, ठीक है. मास बढ़ेगा और क्या नाम है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ग्रो करेंगे और सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो करेंगे वो, ठीक है. उसके अलावा क्या नाम है, पूरी लाइफ स्पैन तक वो ग्रो करते रहेंगे, ठीक है. ऐसा क्या होता है कि एक चीज़ और ये भी है कि जैसे कि ह्यूमन बींग्स ही लगा लो आप, आपको ऐसा लगता है कि एक टाइम के बाद हमारी जो ग्रोथ रुक जाती है, बट ऐसा नहीं होता है. उस क्या होता है कि हमारी हाइट रुक जाती है, कुछ इंस्टेंस में ग्रोथ रुक जाती है, बट थ्रू आउट द लाइफ हमारी जो ग्रोथ होती है वो चलती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है. जो हमारा ब्लड है, ब्लड चेंज होएगा, जिसकी RBC WBC उनके रिप्लेसमेंट के लिए सेल ग्रोथ होती रहती है, ठीक है. जो कोई टिश्यू टॉर्न हो गया, डैमेज हो गया, उसके लिए लगातार क्या होता है, ग्रोथ होती रहती है, डेवलपमेंट चलता रहता है थ्रू आउट द लाइफ स्पैन. ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वे सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो करते हैं, ठीक है. जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, तो ये क्या होता है, यूनिसेलुलर जो होते हैं वो सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो करते हैं, उनके पास और कोई मैकेनिज्म नहीं होता ग्रो करने का, ठीक है. एक यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि कुछ नॉन लिविंग्स भी होते हैं ऑन द सम क्राइटेरिया, वो भी ग्रो करते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, उनके ऊपर परत चढ़ती रहती है, जो मास है, सैंड, मिट्टी जो है मटेरियल, वो उनके ऊपर चढ़ता रहता है, तो उसमें क्या होता है, उनका मास ग्रो होता रहता है, क्वांटिटी ग्रो होती रहती है, बढ़ती रहती है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग्स हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनली दैट क्राइटेरिया, केवल इसी के बेस पे कि वो ग्रो करते हैं, हम लिविंग और नॉन लिविंग में कंप्लीटली डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, ठीक है. तो यही दे रखा है कि क्या नाम है, ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. केवल इसी की बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है. अगर कोई भी चीज़ ग्रो कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग है. नॉन लिविंग भी कुछ चीज़ें होती हैं जो ग्रो करती हैं. सेकेंडरी प्रोडक्शन, ठीक है. रिप्रोडक्शन भी क्या नाम है, दो तरह के होते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल. सेक्सुअल में भी दो किस्म के आते हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन के बेस पे होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है. इंटरनल में जो क्या नाम है, जो फर्टिलाइजेशन होती है, जो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फीमेल बॉडी के अंदर होती है, और इसमें क्या होता है, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है. और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल का जो क्या नाम है, फ्यूजन होता है एग्स का, स्पर्म का और ओवम का, वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है. तो एक ये क्राइटेरिया है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो रिप्रोडक्शन करती हैं. यहाँ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे दे रखा है स्पॉट फॉर्मेशन. फंजाई जो है वे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करती है, और उसमें स्पोर्स फॉर्मेशन होता है. उसमें क्या होता है कि जो स्पोरंजिया है, ये इस तरह का फॉर्मेशन बनती है और ये ब्रस्ट हो जाएगा, और उसमें से वन काइंड ऑफ सीड्स जो है वो डिस्पर्स हो जाएंगे थ्रू आउट द इन्वॉल्वमेंट, और वो जहाँ पे भी उनको अपनी नीच मिलेगी, वहाँ जहाँ पे भी उनको इन्वॉल्वमेंट मिलेगा ग्रो होने का, वहाँ पे वो ग्रो हो जाएंगे, ठीक है. यीस्ट और हाइड्रा, इसमें बडिंग होती है. बडिंग क्या होता है कि जो पेरेंटल बॉडी होती है, पेरेंटल बॉडी के ऊपर एक छोटा सा कुछ अलग से एक बर्ड की फॉर्म में बर्ड्स बनने लगती है, कुछ एक थोड़ा सा पार्ट उभरने लगता है, और उभरने के बाद वो क्या होता है, बर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. और बर्ड क्या होती है कि यहाँ पे देखो, ईस्ट में भी और हाइड्रा में भी दोनों में बडिंग होती है, बट ईस्ट में क्या होता है कि बर्ड्स की चेन बन जाती है, ठीक है. एक बर्ड, फिर उसके ऊपर फिर एक और बर्ड, फिर उसके ऊपर एक और बर्ड. बट हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में जो पेरेंटल बॉडी है
उसके साइड में यहाँ पे से बड निकलनी चालू होगी, वो ग्रो हो जाएगी, और ग्रो होने के बाद डी अटैच हो जाएगी, उस अपनी पेरेंटल बॉडी में से निकल जाएगी, और फर्दर क्या नाम है, उसके पास फिर कैपेसिटी आ जाएगी कि वो दोबारा से बडिंग कर सके। तो इस तरह से एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। प्लेनेरिया में जो है उसमें क्या होता है, रिजनरेशन की प्रोसेस होती है। रिजनरेशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड होने के बाद जो जो एवरी फ्रैगमेंट होगा, हर एक टुकड़ा होगा, उसके पास ये कैपेसिटी होगी, ये कैपेबिलिटी होगी कि वो पूरी बॉडी बना सके। ठीक है, यहाँ पे ये जो प्लेनेरिया है उसके तीन पार्ट डिवाइड हुए, इसको बोलेंगे रीजनरेशन। उसमें क्या होगा, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होने के बाद एवरी फ्रेगमेंट्स के पास वो कैपेसिटी होगी कि वो पूरी बॉडी बना सके। अच्छा, रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें क्या है कि एक यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये भी पाया गया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास कैपेसिटी नहीं होती रिप्रोडक्शन करने की। ठीक है, तो है तो वो लिविंग, तो ये क्या नाम है क्राइटेरिया यहाँ पे ये आया कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया कि वो रिप्रोडक्शन करते हैं वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, उसमें हम फर्क नहीं बता सकते, क्योंकि जो म्यूल है ये एक हाइब्रिड प्रजाति है जो कि मेल एश यानी कि मेल जो क्या नाम है डंकी होते हैं और फीमेल हॉर्स, इन दोनों को मिलाकर जो हाइब्रिड प्रजाति बनाई गई उसका नाम है म्यूल। तो इसके पास कैपेसिटी नहीं होती कि फर्दर रिप्रोडक्शन कर सके, बट क्या है, लिविंग है ये। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया कि वो रिप्रोडक्शन करते हैं, हम ये क्लियर डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। म्यूल का केस देखते हैं, उसमें क्या होता है कि जो क्रोमोजोम्स होते हैं किसके, मेल डोंकी के और फीमेल हॉर्स के, वे इतने कैपेबल होते हैं कि वो रिप्रोडक्शन कर सके, एक प्रोजेनी निकाल सके, बट जो प्रोजेनी है उसके क्रोमोजोम्स इतने मतलब अच्छे नहीं होते, इतने सिमिलर नहीं होते कि वो फर्टाइल प्रोजेनी निकाले। मतलब कि क्या है कि मेल और जो क्या नाम है फीमेल, इनके पास जो क्रोमोजोम्स थे इनके पास इतने सिमिलर क्रोमोजोम्स थे, इन्होंने रिप्रोडक्शन करके क्या नाम है हाइब्रिड निकाला म्यूल, पर म्यूल जो है इनफर्टाइल है, बिकोजोम्स डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, अगला क्राइटेरिया है मेटाबॉलिज्म। एक मेटाबॉलिज्म क्या है कि ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हम ये बता सकते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है वो ओनली लिविंग बींग्स के अंदर ही पाई जाती है। अगर हम मेटाबॉलिज्म को लैब में करवाएं तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म जो है ये ओनली लिविंग सेल के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं मेटाबॉलिज्म है क्या। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि जितनी भी रिएक्शंस किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर हो रही है उन सभी रिएक्शंस का सम, उसको क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। टोटल सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज नाउन एज द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक तो एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि जब कोई रिएक्शन हुई और उसमें कुछ सम अप हुआ, जैसे कि खाना खाया, खाना खाने के बाद वो क्या हुआ, एटीपी की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो गई, वो जो एनर्जी है वो ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन और एटीपी हमारी बॉडी में स्टोर हुई, तो ये जो केमिकल रिएक्शन हुई जिसमें कि एनर्जी का स्टोरेज हुआ उसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म। और जिसमें एनर्जी टूटती है, मतलब कि हमने कोई वर्कआउट वगैरह किया, कुछ काम किया, उसमें क्या हुआ, जो एटीपी है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हुआ एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में और वहां से एनर्जी निकली, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुई उसको बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। जहाँ पे रिएक्शन टूटी एनर्जी निकली उसको बोलेंगे कैटाबॉलिज्म, और जहाँ पे एनर्जी समअप हुई मतलब कि स्टोरेज हुआ एनर्जी का उसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म मतलब एडिशन ऑफ स्टोरेज ऑफ एनर्जी, और कैटाबॉलिज्म मतलब कि जब रिएक्शन टूटी यानी कि रिलीज ऑफ एनर्जी। तो एनाबॉलिज्म को कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रही है, कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ बन रहा है, और कैटाबॉलिज्म बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, मतलब कि इसमें कुछ भी कोई भी चीज़ है वो टूट रही है, ठीक है, निकल रही है। तो एक यही क्राइटेरिया है मेटाबॉलिज्म का जिसके बेस पे हम बता सकते हैं कि अगर किसी भी लिविंग बींग्स में मतलब किसी भी बॉडी में कोई भी लिविंग है नॉन लिविंग है, अगर वहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो इसको हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि ये लिविंग है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ओनली पॉसिबल है लिविंग बींग्स के अंदर, नॉन लिविंग में पॉसिबल नहीं है ये। ठीक है, इतनी बात क्लियर। उसके बाद लिविंग बींग्स का एक क्राइटेरिया ये होता है कि उनके पास कंसियसनेस होती है, मतलब कि वे सेल्फ अवेयर होते हैं, अपने बारे में उनको पता होता है, अपने इन्वायरमेंट के बारे में उनको नॉलेज होती है, मतलब कैसे इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हैं, प्रतिक्रिया कर सकते हैं।
जैसे कि क्या है, नेचर में कोई भी चेंज होएगा, ठीक है, उसके हिसाब से कोई प्रतिक्रिया करना, उसको बोलते हैं स्टिमुली, स्टिमुलेशन बोलते हैं इसको। जैसे सपोज करो कि एक चुहमे का प्लांट है, उसको हमने टच किया, और टच करते ही क्या हुआ, टच करना क्या हुआ, एक चेंज आया इन्वायरमेंट में, ठीक है, और रिएक्शन क्या हुआ कि उसकी जो लीफ है वो फोल्ड हो गई। जैसे सर्दियाँ आई और हमने कपड़े पहनने चालू कर दिए, सर्दियाँ इसका मतलब क्या है कि जो वार्म है, जो आपस का इन्वायरमेंट है, उसमें जो उसका क्या नाम है, क्लाइमैक्स है, तो उसका टेम्परेचर है वो डाउन हुआ, और उसके हिसाब से हमने क्या किया, कपड़े पहनने चालू कर दिए, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टिमुली बोलते हैं। जो हमारे जो हमने रिएक्शन दिया उसको स्टिमुली बोलते हैं, ठीक है। तो ये कई तरह के स्टिमुली होते हैं, फोटोट्रोपिज में, हाइड्रोट्रोपिज में, थर्मोट्रोपिज में, और थिग्मोट्रोपिज में। तो मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो चेंज क्या आया, ठीक है। तो अगर फोटोट्रोपिज का मतलब होता है कि कोई भी जैसे प्लांट है वो सन की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो उनकी लीफ है, उनके स्टेम वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, सन की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, उनको फोटोसिंथेसिस करनी होती है, ठीक है। हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि जो उनकी जड़ होती हैं प्लांट्स की, वो क्या करती हैं, वाटर के थ्रू अट्रैक्ट करती हैं, मतलब कि जहाँ पानी होगा उसी साइड में उनकी जो क्या नाम है, रूट्स वगैरह हैं वो जानी चालू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये है कंसिस्टेंस, मतलब कि जो लिविंग बींग्स होते हैं वे प्रतिक्रिया करते हैं अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि लिविंग है, नॉन लिविंग। कोई भी नॉन लिविंग थिंग है वो प्रतिक्रिया नहीं करती है इन्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, लिविंग थिंग्स करते हैं, ठीक है। और एक ह्यूमन बीइंग है जिसको अपने बारे में पता है कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, उसके बारे में अपने बारे में पता है, मतलब मोस्टली काफ़ी चीज़ नाउन है, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस है ह्यूमन बीइंग्स के पास, सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं जिसको, ठीक है। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी का को समझने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं, स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज का मतलब होता है कि देखो, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, मतलब कि बहुत सारी वैरायटी एक किस्म से, ठीक है। तो क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, ऐसा एक ग्रुप बनाओ जैसे कि एक कोई कोई सिमिलरिटी, एक किसी बेस पे, एक सिमिलरिटी के बेस पे ग्रुप बनाया गया। जैसे मान लो कि जो जानवर एक जैसे दिखते हैं, जैसे कि जितने भी डॉग्स वगैरह हैं वो एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो वो ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का जो इतने इंटर रिलेटेड हैं, इतने रिलेटेड हैं एक दूसरे से कि आपस में रिप्रोडक्शन कर सकें, मेटिंग कर सकें, और फर्दर जो क्या नाम है, जो फर्दर फर्टाइल प्रोजानी प्रोड्यूस कर सकें, तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्पीसीज, ठीक है। ग्रुप ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स का या एनिमल्स का या व्हाटएवर जो कुछ भी हो, ठीक है, वो इतने सिमिलर हों आपस में कि उनके पास वो कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी हो, कि इंटरब्रीडिंग कर सके और एक ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पीसीज जो डिस्क्राइब हुई है, जो आइडेंटिफाई हुई है इन द वर्ल्ड, उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब कि लिविंग्स। तो जितनी भी स्पीसीज हैं जो हमें पता है, नाउन स्पीसीज है जो पाई जाती है, उसको क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। मतलब कितने तरह के जो एनिमल्स, प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं दुनिया में, उसको क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये 1.7 to 1.8 मिलियन जो स्पीसीज हैं पाई गई हैं, और इसकी रिसर्च चलती रहती है, ओके, ढूंढते रहते हैं, नए नए ऑर्गेनिजम्स मिलते रहते हैं, एक्सप्लोर होता रहता है इनका एक्सप्लोरेशन। तो ये बायोडाइवर्सिटी है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी ही क्यों भाई। समस्या ये है कि जो प्रजातियां हैं, जो स्पीसीज हैं, जो कुछ भी है, वो एक जगह पे नहीं पाया जाता, वो अलग अलग लोकेलिटी में है, अलग अलग देश में है, ठीक है। तो अगर हमें किसी चीज़ के बारे में स्टडी करनी है तो हमें उस चीज़ वहाँ की लैंग्वेज का पता करना पड़ेगा, तब पता चलेगा इसका नाम क्या है, ठीक है। तो वही बड़ी समस्या हुई इस चीज़ की, उसको कहीं पे क्या बोला जा रहा है, कहीं पे क्या बोला जा रहा है। तो इसलिए क्या हुआ कि साइंटिस्टों ने सोचा कि उसका एक नाम रख दिया जाए, पर्टिकुलर
परमानेंट नाम, जिसको बोला जाए बायोलॉजिकल नेम, ठीक है, ताकि उसको पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए, उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। स्टैंडर्ड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट द पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स इज नाउन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको बोला गया नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर के लिए हमें पता भी होना चाहिए कि हम नाम रख किसका रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको उसके सारे करेक्टर्स का पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि उसके उसको करेक्टली पता लगाएं उसके बारे में, ठीक है, जिसका हम नाम रख रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन, उसको जानना, आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। नोमेनक्लेचर्स के कुछ नोमेनक्लेचर्स के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं कि जो नोमेनक्लेचर किया जाएगा किसी भी चीज़ का, वो ऐसा नाम रखना पड़ेगा उसका कि जिसको पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल हो, पूरे वर्ल्ड में उसको एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। तो प्लांट्स के लिए एक संस्था है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ये प्लांट्स का नाम रखती है, और एक है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये एनिमल्स के लिए नोमेनक्लेचर करती हैं, ठीक है। एक चीज़ ये इंश्योर करनी पड़ेगी कि जो भी नाम रख रहे हैं, जो भी किसी भी स्पीसीज का नाम रख रहे हैं, वो केवल एक ही हो, यानी कि यूनिक नाम नेम रखना है, ऐसा नहीं करना कि ये नाम किसी और के लिए भी यही है और किसी और के लिए भी है, मतलब कि ब्रिंजल का मतलब ब्रिंजल यहाँ पे भी है और तुम आलू को भी ब्रिंजल बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं करना उसके लिए, ठीक है। एक नाम एक ही चीज़ के लिए होना चाहिए, यही है कि ये इंश्योर करना पड़ेगा इसके लिए कि जो भी हम नाम रख रहे हैं वो केवल एक के लिए ही होना चाहिए, ठीक है, किसी और ऑर्गेनिजम्स के लिए नहीं होना चाहिए वो नाम, ठीक है, ओके। और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में उसको एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। अच्छा जी, तो नोमेनक्लेचर में क्या है, उसमें आगे इसके नियम भी पढ़ेंगे हम, तो एक होता बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, इसका मतलब ये है कि दो नाम वाला नामकरण, इसमें क्या होता है, दो नाम होते हैं किसी भी नाम के, जैसे हमारा होता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम जो हमारा नेम हो गया और लास्ट नेम क्या हो गया, हमारा सरनेम वगैरह हो गया, तो इस तरह इसमें क्या होता है कि दो नाम होते हैं, पहला नाम होता है जीन्स को रिप्रेजेंट करता है, जेनेटिक नेम्स को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नाम होता है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, पहला जीन्स को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा किसको करेगा, स्पीसीज की विशेषता बताएगा, एपिथेट मतलब विशेषता बताना, ठीक है, इसको बोलेंगे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, ओके। तो ये जो नेमिंग का सिस्टम है, ये एक साइंटिस्ट रहे कोरोलस लिनेनेस के नाम से, उन्होंने इसको बताया कि ऐसे ऐसे नाम रखा जाएगा, उन्होंने इसके नियम वगैरह बनाए इसके, ठीक है। तो मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो का नेम है, ये आम का नेम है ये, ठीक है, और समझते हैं इसको आम, ठीक है। तो मैग्नीफेरा और इंडिका, मैग्नीफेरा जो है वो जीनस का नेम है, मतलब ये जो मैग्नीफेरा है वो आम की जीन्स को रिप्रेजेंट करता है, और इंडिका क्या है वो इसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, ओके। नोमेनक्लेचर के कुछ नियम हैं वो देख लेते हैं, पहला क्या है कि जब नोमेनक्लेचर किया जाएगा तो उसको अगर हम प्रिंट की फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब कि कंप्यूटर वगैरह में, या फिर ऐसे डिजिटल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो उसको इटैलिक में लिखा जाएगा, इटैलिक होता थोड़ा तिरछा टाइप का, उसको इटैलिक में लिखा जाएगा। सेकेंड है कि जो बायोलॉजिकल नेम होगा उसका पहला जो वर्ड होगा वो जीन को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड नेम जो है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड नियम। थर्ड नियम ये है कि अगर उसको हम हैंडराइटिंग से या फिर पेन से लिख रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जीन और जीन का नेम और स्पीसीज का नेम दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा, इकट्ठा अंडरलाइन नहीं करना है उसको, ठीक है। जीन्स जेनेटिक नेम को अलग अंडरलाइन करना है, और जो उसका दूसरा जो नेम है कौन से वाला, स्पीसीज वाला नेम, उसको अलग अंडरलाइन करना है, ठीक है, ओके। जो नेम है बायोलॉजिकल नेम है उसका जो पहला वर्ड है यानी जेनेटिक नेम है वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, और जो स्पेसिफिक नेम है वो उसका स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, ठीक है जी। तो ये कुछ नियम थे नोमेनक्लेचर के, दोबारा देख लेते हैं एक बार और, कि जो नोमेनक्लेचर किया जाएगा किसी भी ऑर्गेनिजम्स का तो जो क्या होगा, उसको इटैलिक भाषा में लिखा जाएगा, उसको थोड़ा तिरछा टाइप में लिखा जाएगा,
दो नाम होंगे उसके, पहला नाम उसका जो बायोलॉजिकल नेम जो है उसका पहला जो नेम होगा वो जेनेटिक होगा, जीन्स को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड जो नेम है वो उसके स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम उसको हैंड राइटिंग में लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, कॉपी पेन पे लिखते हैं, तो जीन और स्पीसीज दोनों के नाम को अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा, ठीक है। पहला जो वर्ड है जीन्स वाला उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और जो सेकंड वर्ड है स्पीसीज वाला उसको स्मॉल लेटर में, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे मैग्निफेरा इंडिका ये वाला जीन्स वाला है, तो इसको जो इसका जो एम है इसको कैपिटल में लिखा जाएगा, और इंडिका जो है स्पेसिफिक नेम है उसको स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं कि वाई क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन पढ़ी क्यों, ठीक है। तो डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट आया कि भाई हमारे पास इतनी सारी प्रजातियां हैं जिसको स्टडी करना है अपने बेनिफिट्स के लिए, तो क्लासिफिकेशन में होता क्या है कि हम उनको एक सेम बेसिस पे, सेम क्राइटेरिया पे, कुछ सिमिलर क्राइटेरिया के बेस पे उनको हम ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। उससे हमें आसानी ये होती है, उससे हमें आसानी ये होती है कि स्टडी कर पाना और भी आसान हो जाता है। हम एक पूरे ग्रुप की स्टडी कर लेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हम एक ही बार में कर पाएंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन को करने के लिए क्या किया गया कि कुछ ऑब्जर्वल करेक्टर्स के बेस पे हमने उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ऑर्गेनिजम्स को, और उसका कोई नाम रख दिया। फिर जो सिमिलर ग्रुप्स थे उनको फिर और इकट्ठा कर दिया, ठीक है। तो जैसे डॉग्स हो गए उनको अलग ग्रुप में डाल दिया, कैट्स हो गए उनको अलग ग्रुप में डाल दिया, मेमल्स हो गए उनको अलग ग्रुप में डाल दिया, वीट्स अलग, तो ऐसे ऐसे करके हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स बना लिए, ठीक है। तो जब सिमिलर करेक्टर्स की बेस पे हमने ग्रुपिंग करी, ग्रुप बनाए गए, तो उस जो ग्रुप है उसको साइंटिफिक नेम में, साइंटिफिक टर्म में टैक्सा बोलते हैं, ठीक है जी। जो डॉग है, जो डॉग है वो एक टैक्सा है, यानी कि एक ग्रुप है, बहुत सारे डॉग्स हो गए उन सब की एक प्रजाति है, उसको क्या बोलेंगे, डॉग बोलेंगे। और ये क्या है, एक टैक्सा है, एक ग्रुप है ये, ठीक है। और ये डॉग्स मेमल्स के अंदर आते हैं, मतलब कि ये बच्चों को जन्म देते हैं सीधा, तो मेमल्स भी क्या है, एक टैक्सा है, ठीक है। और मेमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल्स क्या है, टैक्सा है, तो ये सारे ग्रुप्स हैं ये, ठीक है। तो यानी कि एनिमल्स, मेमल्स, डॉग्स, ये सभी क्या है, टैक्सा है। टैक्सा मतलब एक किस्म का ग्रुप, ठीक है। तो वही बात हो गई यहाँ पर कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको डिफरेंट तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, उसको बोलते हैं टैक्सा। और ये टैक्सा बनाने की जो प्रोसेस को बोलते हैं टैक्सोनॉमी, यानी कि ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करना, उनको टैक्सा में कन्वर्ट करना, और टैक्सा उसको क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, जब ह्यूमन बीइंग्स हैं अपने फ़ायदे के लिए क्या करते हैं, वो जनरली फ़ायदे के लिए किया गया है ये, जो क्या नाम है, ताकि हमारी जो स्टडी है वो और आसान हो जाए, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके इंट्रैक्शंस नेचर के साथ, इंट्रैक्शंस ह्यूमन के साथ, इंट्रैक्शंस कि चलो क्या नाम है, ये जो गाय है ये हमें दूध देती है, तो ये इनकी अलग प्रजाति है, ठीक है। डॉग्स हैं, इनका अलग काम है, ये वफादार होते हैं। कुछ बिल्लियाँ होती हैं, ये क्यूट लगती हैं। तो क्या हुआ कि इस बेस पे जब अपने फायदे के बेस पे उनका डिवीजन किया गया है डाइवर्सिटी का पूरी का, तो इस ब्रांच को क्या बोला गया, सिस्टमेटिक बोला गया, ठीक है। तो वही बात होगी कि इंटरेस्ट क्या नाम है, ह्यूमन बींग्स को इंटरेस्ट रहा हमेशा से डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने के बारे में, डाइवर्सिटी की स्टडी करने के लिए, उनके रिलेशन की स्टडी करने के लिए, ताकि हमें उनसे फायदा हो सके। तो इस ब्रांच को क्या बोला गया, सिस्टमेटिक्स बोला गया, ठीक है। वही बात होगी यहाँ पे। तो जो एनिमल्स हो गए, जो अंडों पे ले करते हैं, अंडे देते हैं, उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, तो उनको हमने रेप्टाइल्स के अंदर डाल दिया। जो एनिमल्स सीधे बर्थ देते हैं, डायरेक्ट बर्थ देते हैं, और उनके पास फर होते हैं या फिर हेयर्स होते हैं उनकी बॉडी में, तो उनको हमने मेमल्स के अंदर डाल दिया, ठीक है जी। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, तो जब ग्रुपिंग करी गई
अलग अलग लेवल पर ग्रुपिंग करी गई उनकी कि चलो ये क्या नाम है, जैसे कि सपोज करो कि ये जानवर हैं, जैसे कि ऊपर आया था कि क्या नाम है ये, चलो हटाओ इसको, ठीक है। तो टैक्सा का वर्ड जो टैक्सा था, ठीक है, टैक्सा का जब प्लूरल वर्ड है बहुवचन है उसको टैक्सन बोलते हैं, मतलब बहुत सारे टैक्सा उसको क्या बोलेंगे, टैक्सन बोल देंगे। तो टैक्सन क्या है, एक क्लासिफिकेशन की यूनिट है, यानी कि वो सिमिलर यूनिट है जिसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। तो जैसे कि प्लांट टैक्सा, जो प्लांट का जो ग्रुप है उसमें क्या होंगे, ब्रायोफाइट्स भी आ जाएंगे, टैडोफाइट्स भी आ जाएंगे, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, जनरली ये सारे क्या है, ये भी टैक्सा है, ये जो है ब्रायोफाइट्स, टैडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, डिफरेंट लेवल पर ये क्या है, ये भी एक किस्म के ग्रुप्स हैं, टैक्सा है ये, ठीक है। प्लांट भी क्या है, टैक्सा है, ग्रुप है। तो ग्रुप्स हो गए उनके, फिर बहुत सारे सब ग्रुप्स हो गए, तो इस तरह से, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स वे हो गए जिनके पास फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स वे हो गए जो क्या नाम है, फ्लावर नहीं देते, जिनके सीड्स नेक्ड होते हैं, ठीक है, बिना कवर के सीड्स होते हैं। एनिमल क्या है, टैक्सा है एक, मतलब ये भी एक ग्रुप है। इसमें मेमल्स हो गए जो बच्चों को जन्म देते हैं, एव्स हो गए यानी कि पक्षी हो गए, रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलते हैं, ये सारे क्या हैं, है तो एनिमल्स एक ग्रुप है, पर ये भी फर्दर ग्रुप्स हैं। तो ये भी टैक्सा है, ये भी टैक्सा है, ये सारे टैक्सा हैं, मतलब ये सारे ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के भी ग्रुप्स हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जो एनिमल्स आपस में सिमिलर दिखे, ठीक है, क्लोजली रिजेंबल हुए, मतलब कि आपस में सेम सेम से दिखते हैं, उनको मिलाकर ग्रुप बना दिया गया और उसको क्या बोला गया, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोला गया, मतलब कि टैक्सा बोला गया, और टैक्सा के बेस पे क्या उसको क्या बोला गया साइंटिफिक टर्म में, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। जैसे कि कैट्स अलग ग्रुप है, डॉग्स अलग ग्रुप है, और एनिमल्स में क्या आते हैं, सारे आते हैं, मतलब ये अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग टैक्सा हैं, और ये सारे एक फर्दर बड़े ग्रुप में आते हैं, यानी कि एनिमल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से समझ लो इसको। स्पीसीज हमने देख लिया, स्पीसीज वो ग्रुप एनिमल्स का जो आपस में इतने सिमिलर हैं, जो आपस में इतने सिमिलर हैं कि रिप्रोडक्शन कर पाएँ, फर्टिलाइजेशन कर पाएँ, और एक ऐसा प्रोजेनी निकालें, ऐसा बेबी निकालें, ऐसा ऑफस्प्रिंग निकालें जो फर्दर रिप्रोडक्शन करने के लायक हो, जो फर्टाइल हो, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप्स को क्या बोलेंगे, स्पीसीज, ठीक है। फंडामेंटल सिमिलरिटीज हो, मतलब कि आपस में बहुत सिमिलर दिखे हो, उसको क्या बोला गया, स्पीसीज। ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, उनको स्पीसीज बोला गया, ठीक है। तो ये ह्यूमंस हैं दो किस्म के, होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, ठीक है, हैं दोनों ह्यूमंस, बट स्पीसीज अलग अलग हैं, मतलब कि आपस में इतने रिलेटेड नहीं है कि ये रिप्रोडक्शन कर सकें, ठीक है। तो ये जो ये होमो इरेक्टस थे, ये पहले टाइम पे पाए जाते थे, अब इनकी प्रजाति ख़त्म हो गई है, ठीक है, ये होमो सेपियंस हैं। कहने का मतलब ये है कि ये है तो एक जैसे, बट इनकी स्पीसीज अलग अलग है। स्पीसीज अलग होने का मतलब ये है कि आपस में इतने रिलेटेड नहीं है कि रिप्रोडक्शन कर सकें। जो सेम तरह की स्पीसीज थी उनको मिलाकर एक बड़ा ग्रुप बनाया गया, जिसका नाम क्या हुआ, जीनस रखा गया। जीनस में जैसे कि लॉयन, पैंथरा लियो, लेपर्ड, टाइगर्स, ये तीनों अलग अलग स्पीसीज के हैं। इसकी स्पीसीज पार्डस है, इसकी स्पीसीज लियो है, और इसकी स्पीसीज टिग्रिस है, टाइग्रिस है। बट ये क्या है, सिमिलर थे आपस में, काफ़ी सिमिलर थे, तो इनको मिलाकर इन सेम स्पीसीज वाले ऑर्गेनिज्म्स को मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया, जिसका नाम रखा गया जीन्स। सेम करेक्टर्स वाली स्पीसीज के ग्रुप को मिलाकर एक बड़ा ग्रुप बनाया गया, जिसका नाम रखा गया जीन्स, ठीक है। अब जो सेम तरह के जो जीन्स थे, कुछ सिमिलैरिटीज थी जीन्स में, उनको मिलाकर एक फैमिली बनाई गई, जिसका नाम, ठीक है, एक बड़ा ग्रुप बनाया गया सेम जीन्स वाले ऑर्गेनिजम्स को मिलाकर, उसका नाम रखा गया फैमिली। सिमिलर तरह की जो स्पीसीज थी अलग अलग, कुछ सिमिलैरिटीज थी, उनको मिलाकर बनाया गया जीन्स। जो सिमिलर तरह की जीन्स जो थी, मतलब कि ग्रुप, उसको मिलाकर बना गया फैमिली, मतलब कि एक बड़ा ग्रुप बनाया गया फैमिली। तो सिमिलर तरह की फैमिली देख लेते हैं, कैनिडा, मतलब कि जो डॉग्स, वुल्फ और फॉक्स, ये तीनों अलग अलग जीन्स हैं, अलग अलग जेनेटिक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, पर इनको मिलाकर एक फैमिली बनाई गई, इसका नाम रखा गया कैनिडा फैमिली। फेलिडा फैमिली में हर तरह की कैट्स आती हैं, ठीक है। तो हम करते क्या जा रहे हैं, ग्रुपिंग करते जाते, बड़े बड़े ग्रुप बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो जो सिमिलर तरह की फैमिली जो थी, उनको मिलाकर एक बड़ा ग्रुप बनाया गया, इसका नाम रखा गया ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर क्या रखा गया, एक दो, मतलब जैसे कि कार्निवोरा है, एक ये ऑर्डर है, ये मतलब एक बड़ा ग्रुप है कार्निवोरा,
इसके अंदर कैट्स भी आ गई, डॉग्स भी आ गई, बियर्स भी आ गई। क्यों? क्योंकि ये इनके पास एक सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स है, सिमिलर एक प्रॉपर्टी है कि ये सारे मांस खाते हैं। ठीक है, तो मीट ईटिंग मेमल्स हो गए, ये सब क्या हो गए, एक सिमिलर एक बड़ा ग्रुप बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, कार्निवोरा। कार्निवोरा क्या है? ऑर्डर। अब सिमिलर तरह के जो ऑर्डर्स थे उनको मिलाकर एक बड़ा ग्रुप बनाया गया जिसका नाम रखा गया क्लास। ठीक है, तो जी क्या नाम है इसमें, नॉन लिविंग जो ये थे, मंकी, गोरिल्ला, गिबन्स, ये सारे अलग अलग तरह के क्या नाम फैमिली चाहिए। ठीक है, ये प्रीमेट्स हैं और ये कार्निवोरा है, टाइगर्स, कैट्स और डॉग्स। पर इनमें सिमिलरिटीज क्या है, ये सारे क्या है, बच्चों को जन्म देते हैं सीधा। तो इनको मिलाकर एक बड़ा ग्रुप बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, क्लास, और क्लास का नाम क्या है, ठीक है, मेमेल्स। तो मेमेल्स का मतलब ये है कि वे ऑर्गेनिजम्स जो बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं। तो इसमें ये भी आ गए नॉन लिविंग्स वाले, नॉन वेज वाले भी आ गए जो मीट खाते हैं, और वे भी आ गए जो क्या नाम है, वेजिटेरियन है। अब जो सिमिलर तरह की क्लासेस थी उनको मिलाकर एक फाइलम बनाया गया, एक बड़ा ग्रुप बनाया गया जिसका नाम रखा गया फाइलम, जैसे कि अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा में क्या होते हैं, वे सारे के सारे क्या नाम है, इंसेक्ट्स आते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि उसमें लिविंग्स है, नॉन लिविंग्स है, मतलब फर्क नहीं पड़ता कि वो नॉन वेज खाते हैं या वेज खाते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा ग्रुप बनाया गया सिमिलर करेक्टरिस्ट, सिमिलर तरह के क्लास को मिलाकर जिसका नाम रखा गया फाइलम। ठीक है, ओके। और प्लांट्स के बेस पे फाइलम नहीं बोलते, प्लांट्स अगर सिमिलर तरह के जो प्लांट्स के जो क्लासेज हैं, सिमिलर तरह के जो क्लासेज हैं किसके, प्लांट की कैटेगरी के, तो उसको क्या बोलेंगे, फाइलम मतलब उसको बोलेंगे डिवीजन। एनिमल्स का अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम फाइलम। ठीक है, और प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो क्या, इसी को क्या बोलेंगे, डिवीजन। तो सेम तरह की जो क्लासेस हुई, मतलब कि सिमिलर करेक्टर्स की जो क्लासेस हुई उसको मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, फाइलम। ठीक है, और वही फाइलम जो सिमिलर तरह के फाइलम थे उनको मिलाकर एक बड़ा ग्रुप बनाया गया जिसका नाम रखा गया किंगडम। ठीक है, वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाइस्ट कैटेगरी कॉल्ड द फाइल किंगडम। तो किंगडम में क्या हुआ, जो सिमिलर तरह की क्या आ गई, फाइलम्स आ गए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, जी सारे क्या है, फाइलम सही है। इनको मिलाकर बड़ा ग्रुप बनाया गया, क्या नाम रखा गया, किंगडम। ठीक है, अच्छा जी, एक ये ऐसे याद कर लो इसको, इस बेस पे एक लाइन याद कर लो, सम गर्ल्स फ्रॉम आवर क्लास प्ले कबड्डी। तो ये इसका ऑर्डर याद रह जाएगा कि सबसे छोटी इकाई क्या है, स्पीसीज, जो इंटर रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उनको मिलाकर बनाया गया एक ग्रुप, क्या नाम है, जीनस। सेम तरह की जीनस को मिलाकर बनाया गया ग्रुप एक, उसका नाम रख दिया फैमिली। सेम तरह की फैमिली को मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया, उसको नाम रख दिया ऑर्डर। सेम तरह के ऑर्डर को मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम रख दिया क्लास। ठीक है, क्लास जो सेम तरह की थी उसको मिलाकर एक बड़ा ग्रुप बनाया गया जिसका नाम रखा गया फाइलम। फाइलम किसके बेस पे, एनिमल के बेस पे, और डिवीजन क्या बोलेंगे, प्लांट्स के बेस पे। अगर बात हो रही है प्लांट्स की तो उसको नाम बोलेंगे डिवीजन, और अगर बात एनिमल्स की हो रही है तो नाम रखेंगे फाइलम। और सिमिलर तरह के फाइलम या डिवीजन को मिलाकर एक बड़ा ग्रुप बनाया गया जिसका नाम रखा गया किंगडम। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर। अब टैक्सोनॉमिकल एड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब ये है कि वो सैंपल्स, वो क्या नाम है, ऐसा कोई एक प्रिजर्वेटिव, एक ऐसा एक रूम, एक ऐसा एक एरिया जो स्पेशली स्टडी करने के लिए बनाया गया, बनाया जाता है। ठीक है, रिसर्च करने के लिए, स्टडी करने के लिए बनाया जाता है। गला बैठ गया और बोल बोल के। ठीक है जी, तो टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं, सैंपल्स का कलेक्शन होता है जो कि प्रिजर्व करके रखते हैं ऑर्गेनिजम्स को, किसके लिए, रिसर्च करने के लिए या फिर उनकी स्टडी करने के लिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये बहुत तरह के होते हैं। पहला है हर्बेरियम, मतलब कि संग्रहालय। यहाँ पे क्या करते हैं कि जो सैंपल्स वगैरह होते हैं, सैंपल्स को बोलते हैं स्पेसिमेंस। स्पेसिमेंस को सुरक्षित रखा जाता है यहाँ पर, स्टोर करके, स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट्स एंड स्पेसिमेंस दैट ड्राइड। ठीक है, तो ये जनरली प्लांट्स का स्पेसी क्या करते हैं, प्लांट्स की का सैंपल लेके उसको सुखा कर, उसको प्रेस करके सीड्स पर प्रिजर्व कर रखते हैं, उसकी सारी सीड्स पर प्रिजर्व करके रखते हैं उसको। ठीक है, उसमें जो उसकी जो शीट्स होती है जिसमें उसको प्रिजर्व कर रखा गया है, प्रिजर्व करके रखा गया है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, इंक्लूडिंग डेट कि कब उसको प्रिजर्व किया गया था, कलेक्शन डेट कहाँ से कलेक्ट किया है, नेम, ठीक है, लोकेशन,
बोटानिकल नेम उसका, फैमिली का नेम उसका, ठीक है, कलेक्टर का नेम जो किसने उसको कलेक्ट किया है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसकी सारी इंफॉर्मेशन उस सीट पे होती हैं जिस सीट पे उसको प्रिजर्व करके रखा गया है उस सैंपल को, ठीक है जी। जैसे ये यहाँ पे इसका ये सैंपल है ये, ठीक है जी, ये पूरा सैंपल है और ये इसकी डिटेल है कि भाई इसका जीन्स का नेम क्या है, फैमिली का नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, हैबिटेट्स क्या है, कहाँ पे पाया जाता है ये, लोकेशन क्या है, कलेक्टर किसने कलेक्ट किया है इसको, आइडेंटिफाई किसने किया है इसको, ठीक है, कलेक्शन डेट क्या है इसकी और ये कलेक्शन का इसका कोड क्या है। तो ये इस इन्फॉर्मेशन होती है ताकि हम फ्यूचर में बाई चांस अगर ये प्रजाति खत्म हो गई तो इसको हम स्टडी कैसे करेंगे, तो इसके लिए इसको स्टोर करके रखा जाता है फर्दर आगे रिसर्च करने के लिए, स्टडी करने के लिए। बोटानिकल गार्डन एक किस्म के एक बगीचे होते हैं जहाँ वहाँ पे ऐसे प्लांट्स की को उगाया जाता है जो रेयर हैं, जो स्पेशल है, जिनकी स्टडी करना फ्यूचर में स्टडी करने के काम आए। तो यहाँ पे प्लांट्स को उगाया जाएगा, प्लांट्स उगाने के बाद उसकी नेमिंग होगी पूरी, ठीक है, प्लांट्स को उगाने के बाद उसमें लेबलिंग होगी, कि लेबलिंग होगी पूरा, बोटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम, बकायदा उसमें चिट लगा दी जाएगी कि भाई ये चीज़ है, ठीक है जी, ये प्लांट्स उगा रखे हैं, ठीक है, ये क्या है, बोटानिकल गार्डन। म्यूजियम होता है, म्यूजियम तो सबने ही देखा होगा, वैसे यहाँ पे चीज़ों को कलेक्ट कर रखा जाता है। वैसे बेसिकली एनिमल्स होते हैं इसमें, ठीक है, प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, सब होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह, उनके विजिट के लिए इनको बनाया जाता है म्यूजियम्स को। म्यूजियम्स में प्लांट्स के, एनिमल्स के स्पेसिमेंट्स प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, सुरक्षित करके रखे जाते हैं स्टडी के लिए, ठीक है। स्पेसिमेंट्स को कंटेनर में, किसी जार में या फिर प्रिजर्वेशन के सॉल्यूशन के साथ में, जैसे कि सांप वगैरह, उसको ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाता है ताकि वे लंबे टाइम तक रखे रहें वहाँ पे, ठीक है, स्टडी करने के लिए, देखने के लिए। प्लांट्स, एनिमल्स के जो स्पेसिमेंट्स हैं वे प्रिजर्व करके रखे जाते हैं ड्राई स्पेसिमेंट्स में। कई बार क्या होता है, इंसेक्ट्स वगैरह को किल करके या उनको बॉक्स के अंदर कलेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है, पिन करके रखा जाता है कि ये इंसेक्ट इस प्रकार का दिखाई देता है, हो सकता है आगे जाके फ्यूचर में उसकी प्रजाति खत्म हो जाए, तो इसलिए स्टडी करने के लिए इनको रखा जाता है। जो बड़े एनिमल्स होते हैं जैसे कि ये क्या नाम है, डायनासोर वगैरह, तो उनके उनको भी स्टफ करके प्रिजर्व करके रखा जाता है, उनके स्केलेटन वगैरह रखे जाते हैं म्यूजियम के अंदर स्टडी बेस पे। जूलॉजिकल पार्क्स एक किस्म का जू होता है, चिड़ियाघर होता है ये, जहाँ पे एनिमल्स को नेचुरल इन्वायरमेंट में रखा जाता है ताकि उनके बिहेवियर को, उनकी मतलब कि उनका जो कैसे वे रहते हैं, कैसा खाना खाते हैं, क्या उनके करेक्टर्स होते हैं, उनके बारे में स्टडी करी जाए लाइव, ठीक है। तो ये एनिमल्स को मतलब कि एक नेचुरल इन्वायरमेंट दिया जाता है, उसमें एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है, कि जनरली करेक्टर्स होते हैं किसी भी चीज के जो उसमें उस क्या नाम है, लोकेशन में रखी गई है। जैसे कि मान लो कोई एक आपका म्यूजियम ही है, म्यूजियम में एक चार्ट लगा रखा है, चार्ट में बता रखा है कि अगर आपको ये इसके करेक्टर्स हैं, मतलब कि अगर कार्पेल होगा, सिंगल ओव्यूल होगा, फ्रूट एडहेंस, ठीक है, फ्रूट्स होंगे, लीफ अपोजिट होगी, तो उसका नाम ये होगा। कहने का मतलब ये है कि कुछ उसके करेक्टर्स दे दिए कि करेक्टर्स कैसे दे दिए कि एक जानवर ऐसा है कि जिसके पास कान नहीं होते हैं वो रेंग कर चलता है, ठीक है, तो उसका नाम बता दिया कि वो सांप है, ठीक है, वो सुन नहीं सकता, उसका नाम है सांप है। तो ये करेक्टर्स हो गए इसके कि भाई ये इसके ऐसे ऐसे करेक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें करेक्टर्स हैं इसके और इसका ये नाम है, तो की इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो की क्या है कि किसी भी प्लांट और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो उसकी की वैल्यू होती है सिमिलरिटीज़ की या डिसिमिलरिटी की बेस पे, कि भाई इसके पास ये करेक्टर्स हैं, अगर ये चीज़ है तो उसका नाम ये है, तो उसको की बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कुछ करेक्टर्स के बेस पे, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना किसी भी ऑर्गेनिजम्स को कि इसके ये करेक्टर्स हैं, इसका मतलब ये चीज़ है, अगर आपको इसके बारे में स्टडी करनी है तो रूम नंबर इतने पर जाओ, तो ये की होती हैं। फ्लोरा और फोना दो वर्ड और हैं, बाकी ये खत्म हो गया। तो फ्लोरा का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्लांट्स लाइफ ऑन द पर्टिकुलर टाइम ऑन द पर्टिकुलर फील्ड, या उस एरिया में जो उस टाइम पर जितने भी क्या ना प्लांट्स पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरा। पूरी मतलब कि क्या कहने का मतलब ये है कि एक एरिया में एक टाइम पर, फिक्स टाइम पर कितने नंबर ऑफ स्पीसीज है किसकी, प्लांट्स की, उसको फ्लोरा बोलेंगे।
और कितने नंबर ऑफ एरिया उसी एरिया में नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं उसको क्या बोलेंगे, फोना। एक टाइम के अंदर मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर फील्ड के अंदर पर्टिकुलर एरिया के अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स फोना बोलेंगे, और नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स उसको क्या बोलेंगे, फ्लोरा बोलेंगे। ठीक है जी, तो ये आपका ये क्या नाम है, रिविजन कम्प्लीट हुई इसकी, इस चैप्टर की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मेरा बोल बोल का गला बैठ गया, वैसे आवाज़ नहीं निकल रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे इसके। ठीक है, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड अपडेट योर नॉलेज रेगुलरली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।